मन मरे ममता मरे मरी मरी जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। लाख पूजा कर तीर्थ व्रत हजार, लाख पूजा कर तीर्थ व्रत हजार, दया धर्म हृदय माने सब कुछ है बेकार। कलयुग आय तोर कैसे हुई बेड़ा पार, कलयुग आय के बूढ़ी डोबा मजदा। लाख पूजा कर तीर्थ व्रत हजार, के वाणी तुलसी के जुबानी गवाही है बेतुरा, गीता के वाणी तुलसी के जुबानी गवाही है बेतुरा। जैसे कर्म करबे वैसंत फल पावे कहे है श्री भगवान, जैसे कर्म करबे वैसंत फल पावे कहे है श्री भगवान। गीता के वाणी तुलसी के जुबानी गवाही है बेतुरा, गीता की वाणी तुलसी के जुबानी गवाही है वेद पूरा। जैसन कर्म करबे वैसन फल पावे कहे श्री भगवान, जैसन कर्म करबे वैसन फल पावे कहे श्री भगवान। कलयुग यारे की कैसे होई बेड़ा पार, कलयुग यारे की बूढ़ी डोंगा मजधा। रावण कसमत अंगी रहे नहीं गर्व गुमान, जन बन घमंडी रावण कसमत अंगी रहे नहीं गर्व गुमान। जाना पड़ी तो लय जगले रे संगी रह जाए बद्दी योना, जाना पड़ी तो लय जगले रे संगी रह जाए बद्दी योना। जन बन घमंडी रावण कसमत अंगी रहे नहीं गर्व गुमान, बन घमंडी रावण कसमत अंगी रहे नहीं गर्व गुमान। जाना पड़ी तो लाए जगले रे संगी रह जाए बदियोना, ओ जाना पड़ी तो लाए जगले रे संगी रह जाए बदियोना। कहूं दिन दुखिया डोंगा मजधा।
कलयुगिया रे तो कैसे हुई मेरा पार, कलयुगिया रे देव बूढ़ी डोंगा मजरा। रामचंद्र की जय। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरस ही सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सना मांगा। विश्वामित्र महाराज जिन हैं तेना एकर पहली हैं, एकर पहली आज्ञा दे डर रही समय भगवान राम ला है ना। उठाऊ राम भंजन भंजऊ भव भव चापा, मेटहु ताप जनक परितापा। पहली चले आज्ञा दे डरे है, लेकिन गुरु के आज्ञा माने ये समझ संग में कहूं गुरु है तो आदमी झकना नहीं चाहिए। श्याम रामचंद्र की आज हमर उल्टा हो जाते, गुरु महाराज कहूं आगू में बैठे तो आन के तान हो जाते थी बार है ना, झक मगा। अब वो नहीं है तो हाँ एती बार ओ पीर 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 आवाज देखते तो हाँ भाई गति थोथवा हो जाते है ना, कद को धार नहीं थे तो भोथवा हो जाते। भगवान राम के सिस्टम अलग रही से, वो काकर भरोसा में रहा है गुरु महाराज के। एक भी गुरु महाराज घर आज्ञा देवे वो थोड़ा देख तो ऐसे हाँ तो फिर देखा जाइए श्यावर रामचंद्र की जय। अबर गुरु महाराज के महत्व दुनिया में सब ले जानते हैं भैया। साध समुद्र की मसी करो लेकिन ये सब बन रहा है, और धरती सब कागज करो तो गुरु गुण लिखा ना जाए। इतना गुरु महाराज के महत्व है। भगवान राम जब जब भी अच्छा काम ओकर पीछे में हो है तो देवता मन के काम का है तो मन फूल बरसा है। श्यावर रामचंद्र की जन्म हो है फूल बरसा, खुशी मनावत है फूल बरसा। पता नहीं भाई उमन वो बगीचे खोल के रखे थे लागते, और जब कभी भी शुभ काम होते तो उसने छोते है ना। तरी वाला मन ऊपर सजाते और ऊपर वाला मन हा तरी सजाते, कैसे तोरण गति लगते ऊपर में लगते, और ऊपर ले फूल छी चाहिए गति बढ़ाई नीचे। सीधा सीधा बात श्यावर रामचंद्र की जय। अगर कुछ गणित करे काम ही नहीं है, ऊपर ल तू मन सजावा था तो तरी ले तरी वाला मन, ऊपर सजावा थे ऊपर वाला मन तरी सजावा थे। श्यावर रामचंद्र की जय। बस उसने तो चला थे बर सही सुमन जमा जना वही सेवा जानेगा, तो वही सुमन के बरसा तो एतिल ऊपर को जाते थे कहा बरसा की थे, बरसा काला की थे ऊपर ले तरी आते थे ना बरसा है ठीक है हाँ बरसा होते थे ना उपरेज को तिल होते और तरी को तिल होते तेना बरसा नो है। मान लो जाए मैं गिट्टी ले से छींचत हूँ तो गिट्टी बरसा हुआ थी कहू का नहीं, गिट्टी ला छींचत है बगरावा थे और वही गिट्टी धर के मैं ऊपर ले चल दे और ऊपर ले गिरा दे तो ही काय हो जाए। हाँ तो समझ ले वही भाव लगा बर सही जानेगा लिखा है भाई तेल पढ़ा तुम्हें बर सही सुमन जनावे ही सेवा। तो एक सिद्ध पर थे तो फूल के बरसा ऊपरे को तिल होवत रही से है ना। अब भगवान राम का करी गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आ यशो मांगा। मिलाक देखूंगा भगवान राम गुरु के सम्मान कतका करत रही से, आवाज के चेला मन कैसे गुरु के सम्मान करते श्यावर रामचंद्र की। तो यह बात है तो यह बात लो भैया ले गई, अब तो नवा जमाना है जमाना है और किसम किसम के ओना कपड़ा किसम किसम के खाना है सब बदल गए है। और गुरु कौन मेले मानते बीच में यहाँ गुरुदेव आप एक सुरता करते हैं बढ़िया आगे गुरुदेव पानी उनी लाओ मन है थी अच्छा निकले कि मेरा वो आ जाते भीतरी भावे है अच्छा निकले की विराजत कुछ कहा दुख तक नहीं बने तो कति बल आए गुरुदेव। वो पूछत नहीं गुरुदेव कहाँ जाते की के बने अच्छा बेरम आगे महाराज मैं अभी इच्छे निकलने वाले रहे हूँ दूठन भाव है मा एकदम साधारण भाव बतावा था मतलब ऐसे बोला थे थोकन देरी करते नहीं गुरुदेव तो आप मन मोर दर्शन नहीं पाते ऐसे बोला थे
उस दिन वही उन्हें हुआ था थोड़े कहीं देरी होती नहीं मैं निकल जा रही थे मतलब आप मन धन्य हो गए मोर दर्शन करके इतने नहीं बोला था होगा भाव कैसे होना चाहिए है ना थोड़े कन देरी होती महाराज तो आपके दर्शन नहीं पा रही थे मैं ये भाव होना चाहिए तो नहीं थोड़े कन देरी होती नहीं मैं निकल जा रही थे श्यावा रामचंद्र की जय जय। आज के शिष्य कृष्ण है देखा गुरु महाराज के बरोबर आशीर्वाद नहीं मिले है ना शिष्य मन के बहुत मैं देखता हूँ गुरुकुल के रीति के शिष्य के नियम और स्कूल वाले गुरु के शिष्य के नियम दोनों बिल्कुल अलग है दोनों हजारों उदाहरण है एक जन गुरुदेव फूल पान सकेले नहीं रही से अब इसने बैठ के बाजवट में पूजा करे बार और पूजा करे के बाद ना जब भी कोई पूजा में बैठे जाते तो पूजा में बैठे के बाद उठना है ना उचित नहीं रहा है काबर सिद्ध नहीं पड़े कहाँ पड़ते आप तो एक पढ़ते थे जिन बैठे रही थे नहीं तेन उही में ले चिल्लाते और लोटक पानी फेंक दू वो करछी पानी लहू तो बैठे रही थे तेने अपन उठ के कहाँ जाते नहीं जावे वो गुरु महाराज कहते फूल लाए तुलसी पत्तल भुला गए बेटा चार चार जन चेला वो घर का इसने बाजवट में बैठे रहा है और गुरु महाराज का है तुलसी पत्तल ले आते वो भुला गए हमें वो अपन पादा चुकाए बर गा फिर मोला जोगा मत ऐसे की के वो चारों जन चेला बैठे रहे नहीं तो एक जन चेला दूसरिया चेला का है मनीराम काय भाई और गुरुदेव तुलसी पत्तल भुला गए भाई जात ले आवे ठीक है तो वो कहा थे तुलसी पत्ता किसनरी थे और एक जन चेला कहा था तुलसी पत्ता किसनरी थे हाँ नहीं जाने थे बेल पत्ता संजी ताकि गुरु महाराज है एक हाय ये तुलसी पत्तल नहीं जाने तो मुला जान जूंगा एला जूंगा देख कितना दिमाग है वो चेला के तो वो जान रही क्या है तो जान भी नहीं करेगा बेल पत्ता नहीं रहा तुलसी पत्ता से रहते तो वो दूसरा नंबर बाजू बैठे रहते कहा थे गदहनी तो ओकर कचरी थे तेना वो तो पीपर पान कस रहे रे तुलसी पत्ता अब जान दे गुरुदेव वो नहीं जाना थे ठीक है तीसरिया का वो की बोल रही केरा पत्तल देखे केरा पत्तल हाँ तो ये कहा था हाँ हाँ देखे हाँ हाँ उसने री थे आखिरी में के थे जान डरी थी मन चारों चारों नहीं जाने तुलसी पत्तला मही भरा जान तो मही चिन्हे हम अब गुरु महाराज कहते तो मुही जाल लगी बेटा हो तुम तो नहीं ला सको रे ठीक है पॉइंट मारे रहेगा भेजा मत की के गुरु महाराज कहते बैठे थे मेरे दूठत गलो नहीं बने बाजवट के चारों कुंटल एक झल बहुत जानेगा चारों कुंटल बहुत एक किलोमीटर रेंग हाँ अब देखी थर थरा के नहीं बेर उतारा ए दे हरे बेटा तुलसी पत्ता रे चेला मन कहा है ए जन्म का दस जन्म तक के नहीं भुला मन गुरुदेव तुलसी पत्ता लव श्यावर रामचंद्र की जय कलयुग की शिष्य एक जना गुरु बन हूँ गुरु बना हूँ इसी की चेला रहा कान फूकवाए बार पांडे जी अबड़ घूमते रामायण मान में तो गुरु महाराज के दर्शन होत रही नहीं ते काम करथन चूड़ा मड़ी पांडे करत होकर नहीं कान लोखरे कर फूकवा लेथन ऐसे तो गुरु महाराज के बहुत बड़े महत्व है हृदय उखर करेजा किसने रहते तो बहुत शांत रहते है ना पोनी कस कुंवर रहते कोनो कोनो मन कथे लेना कस कुंवर रहते गुरु महाराज के अर्थ ये है ना गुरु ओ हरे जिन्हें शिष्य के हाथ ल ब्रह्म के हाथ में दे दे जीव ल ब्रह्म से मिला देते हैं गुरु है ना ठीक है तो वही अब गुरुदेव करा शिष्य बनो गुरुदेव आपके नाम बहुत सुने हमें है तो गुरुदेव की तो बहुत अच्छी बात है भाई आश्रम मरीजा हैं शिष्य बना लूं अब रथिया कन सुती तो दुए झर रहा है तो अचानक बदली करी चिना बदली करी तो गुरुदेव मुंह ले निकल गए वो गरुआ बंधाए बाबू अंगना मा पानी गिरा तेसे लागते और भीतरी में बांध दे तो छोड़ के नहीं तो छोड़ दे इसे की नहीं तो पहली पूछ परी जोखर पहली पानी गिरत का जी ऐसे पानी गिरत का मनी राम तो वो चेला काय कहा थे अब हिच्चे अंगनल मिले आवाज गुरुदेव देख तो ओकर पीठ ले छू के गिल्ला हो ही ना पानी गिरत है और सूखा हो पानी नहीं गिरत ऐसे की दीज गया देख कैसे भूत कटरू गुरु होते चेला होते गुरुदेव महाराज ला हो गुरु के महागुरु मिल गए श्यावर रामचंद्र की जय गुरु के और महागुरु ही वह तो देख तो गुरुदेव ऐसे की कहीच नहीं तो जान दे रही हाँ सही में पानी गिरा थे काबर बिलई को कर शरीर ले देखी तो कच्चा है थोकन में की तो गरुवल ढील दे जाके जी
काबर गरुआ बंधा है वो बंधना छोड़ दे, गरुआ अपन मन की निकल जी पानी में फिर जी। अब वो चेला का अक्कल लगावत है, मैं खुद मायक बंधना बंधाए गुरुदेव, वो मायक बंधना डोरी तोर हाथ में छोरी की तोड़ कर आता मुहिल गरुआ थे बंधना छोड़ दे की थे। वो तो आपके काम है गुरुदेव, बंधना छोड़ना मोर काम न है। श्यावर रामचंद्र की महागुरु न है वो गा? अब जा ढीलीज गा नवा नवा लिखा है सिखी की के रात कन सुते बेरा गुरुदेव मुंह ले निकल गए, माटी तेल कम मिल थे बाबू चिमनी जलत है, आंखी मंजोर आवत नींद नहीं पड़त है, चिमनी बुता देना। तो वो का की थे कमरा लोड़ लेन गुरुदेव अंधियार हो जी चिमनी बुता का जो श्यावर रामचंद्र की बिहनिया करना। एक जन शिष्य एक कोपरा फल फलहरी धर के इस गुरुदेव भेंट करूं की के जानेगा, और कोपरा भर फल ला देखी नहीं तो वो शिष्य फिर आगू आगे तो सुनाओ कहो गुरुदेव मोर लिए का आज्ञा है। मैं तीन तीन ठन आपके आज्ञा नहीं माने मोल बहुत अखरत है, अबे दरी का आज्ञा का आप लोग मोल माना मुहिल जो आप आज्ञा ला इधरी मानना मोल जरूरी है ना, समझ गए होगा। हाँ तब का आज्ञा दी है फला हरला जा को दी जतन बेटा श्यावर रामचंद्र की कलयुग के गुरु है। स्कूल के स्कूल में गलो लेकर मुहमन तो शिष्य है ना, स्कूल के तक महादारू उदाहरण है। एक जन लड़का है ठीक है रोज स्कूल आवे तो एक दिन गुरु जी पूछ परी चला दूसरी तीसरी वाले मन लगा कही एक किलो लोहा और एक किलो पोनी दोनों में कौन ज्यादा जरूरी थे। तो सब जन का एक एक किलो दोनों बरोबर नहीं है का, तो सब जन का है दोनों बरोबर है की के, लेकिन एक जन लड़का का है लोहा ज्यादा जरूरी होता है। तो वो नहीं समझी सोई कि गुरुजी फिर कहेगा नहीं बाबू एक किलो लोहा और एक किलो पोनी दोनों में कौन है ज्यादा जरूरी थे। तो सब जना बरोबर कहे तो लेकर फिर कहे लोहा ज्यादा जरूरी थे। इतना समझावा था तब वो समझत नहीं कि पड़ाक ले चेथिल मारी चल बता कैसे लोहा जरूरी थे इसे की के। तो वो लेकर कहा नानचू लेकर ले ठीक है मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ गुरुदेव, पहली पोनी फेंक के मारा था देखर बाद लोहा फेंक के मारू तो जान डर बेते कौन ज्यादा जरूरी थी इच्छा और चंद्र की जय जय। अब ते का करबे इसनो शिष्य होतेगा एक कलयुगीय शिष्य है, तीन चार दिन स्कूल नहीं आई चूही लेके आता हां है ना, तीसरीया चौथे दिन है ना तो गुरुजी पूछी कसरे स्कूल किसी नहीं आ रहे बेटे तेरे, ओ कुकुर चाप दी रिस गुरुदेव। तो पहली हाफ पेंट के समय का तो कौन मेला चाप दी रिस रे कतेक पन चाप दी रिस गदक दी रिस गुरुदेव इसे कहेगा छत्तीसगढ़ ही में। तो कौन मेल ले चाबी रीज बेटा तो पीरी मेला तो देखी गुरु जी है पीरी मेले चाबी माने मान से मास रही थे का मासूस निकल गई हुई की के पीरी मेले झांक के देखते कहीं चीन ही नहीं दिखे कसरे कुकुर चाबी है इसी की कथा जरे कहीं चीन हाँ दिख भी नहीं करे कहीं दिख भी नहीं करे। ता तब वो कही चाबे बार चाबे गुर्दे ते विश्वास नहीं करा था तो चिन्ह कैसे नहीं है बाबू चिन्ह कैसे नहीं दिखा थे कुकुर भोबला रिश्ना गुर्दे श्यावर रामचंद्र की जय जय। ठीक है ट्रीटमेंट करवाए है तेरे ट्रीटमेंट करवाए है क्या है गुरुजी है नहीं तो ट्रीटमेंट करवाए है नहीं तो हाँ करवाए हाँ तो रसीद देखा डॉक्टर दवाई जोंगे देखा है जब ट्रीटमेंट करवाए है तो डॉक्टर तो कहीं रसीद दे हो ही ना कागज के रसीद डॉक्टर के रसीद लेते हैं देखा ऐसे की कहा है तो वो कहा है वो मन मैं गिर रहे मन कहाँ के रसीद देते गुरुदेव मैं बैगा घर गिर रही हूँ श्यावर रामचंद्र की जय जय। एक कलयुगीय शिष्य है भगवान राम जिन है तेन हाँ भगवान विश्वामित्र महाराज गुरुदेव के गुरुपद बंद सहित अनुरागा और राम मुनिन राम मुनिन सन आयसु मांगा हे हरेगा जेन गुरुदेव अपन सब चीज समझे तेन भगवान राम हरे शब रामचंद्र की जय। बड़ गहरी भव सागर है बूढ़ जबे नहीं पावे पार भजले मनवा राम रमैया यही तो है जीवन आधार एक रत्ता एक ठिकाना
राम पौरी ला तहूं निहार। हरि के अति के कहना हवे राम चरण मां जीवन महार। राम चरण मां जीवन महार।
रंग गाया भेल जैसे भूर जाई कठोर माटी रंग गाया सुन संगिया के नर्तन लपाके सुन संगिया के नर्तन लपाके जा नरक के दुआ सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंज बर कुंजर गावी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भये सुखारी। अब भगवान राम हम नानेचन उम्र के आए लेकिन तुलसीदास जी महाराज जिन बात बोले हैं तेन हम विचित्र लगते कैसे भगवान हाँ राम ऐसे चलत है और राजा मन के बीच में कैसे जैसे मतवाला हाथी चलते अब लड़का कैसे मतवाला हाथी के चलत है श्यावर रामचंद्र की। अब भगवान राम जब चलीस हैं तो ओकर प्रभाव है जतका जनकपुर के और पूर्वासी रही से तो भगवान राम के प्रति ओकर भाव किसने रही से तेल दर्शा है। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक शरीर तन भये सुखारी। बेरा होगी सो ही तो बदल लो सुनता हो नहीं नहीं हम सुनता हो तो हमर का है ना हमर हमर नहीं रहा हमर तो हमर कोई बुकिंग नहीं है हमन बस लुकिंग वाला हमन बुकिंग वाला है ना श्यावर रामचंद्र की है ना। तो भगवान राम जब चलीस ना तो सब जन के नजर अलग रही से नहीं नजरिया अलग रही श्यावर रामचंद्र की नजर तो एक रही थे अंतर कमरी थे तो नजरिया मरी थे। अब ऊपर में लिख दी का तो सहज ही चले सकल जग स्वामी भगवान राम किसे चलत रही से सहज सोच पाएगा है ना रेंगे तक अलग अलग ढंग रही थे हल्का मारी रही थे ना वो कैची फाक रही थे सोच पाए कहा रेंगे थे वो है ना हाँ कुकुर माकर मन को सोच रेंगे रही थी कुकुर मन झक जाते ऐसे की बात है कुकुर मन झक जाते का हाँ सोच पाए आदमी रही थे तेन कुकुर न झक जाते श्यावर रामचंद्र की होते थे नहीं हाँ हल्का मारे तेल कुकुर झक जाते हैं असोच भाई चलते तेल कुकुर झक थे। भगवान राम चली कैसे तो सहज है ना अभी भर नहीं चला थेगा एकर पहली अब एक पीछे चल गए पुष्पाट कम रुके रही सब तेन है ना पुष्पाट का प्रसंग में सुने हो जहां तक के कथा चलीस नहीं फूल तोड़े राजी तेन का तो भगवान विश्वामित्र महाराज ने कह रही इसका इमन दोनों भर माता जानकी के दर्शन करीस ना तो राम और लक्ष्मण दोनों से सुनता बंधावत नहीं कीजगा फूल धर के तेन मेर वहां जाकर विश्वामित्र महाराज ने कह रही से गुरुदेव लक्ष्मण कहातरी से थोड़ा जनकपुर लेकर नजर देखते नहीं इसे की कहातरी से इसी की सुनता बंधावत नहीं है तेन मेर के प्रसंग सुनता करावा था फोरियाक नहीं बताए का प्रसंग एकदम फोरियाक का हो तो पुष्प वाट कर निकली तत्क जो दोनों भाई मन का माता जानकी सुंदरता का वर्णन करत निकले है मिला मिला देखेगा कि जानकी कतेक सुंदर है ना हमरो घर देख माता राम ने नवा नवा विवाह होते नहीं की थे ना भौजी कैसे है जी भौजी की था एकदम चंद्रमुखी नहीं की थे दूसरी चाल बेटी तक की थे अब किसने भौजी जी थोड़ा तेज बढ़ गए भाई ता अब सूर्यमुखी हो गए ठीक है तीसरी साल भेंट थे पूछबे मत कर की थे काबर अब ओकरे तेज मत हमन ले सावा शरीर है मुर्दाई देखना करिया गए मुर्दाई हाड़ा लग गए हैं बिल्कुल हिला गए कुमला गए मुरझा गए तो तीसरी साल में पहली साल में चंद्रमुखी दूसरी साल में सूर्यमुखी और तीसरी साल में ज्वालामुखी श्यावर रामचंद्र की तो राम और लक्ष्मण दोनों जन को ठियावा जातरी फूल तोड़ के गीत गजब सुंदर है लक्ष्मण जानकी की सुंदरता तो चंदा का चंदा का चंदा चंदा एक कहां पूरी लक्ष्मण अबर
चंदा कस घलो नहीं है, सूरज कस घलो नहीं है, काबर चंदम दागी है और सूरज मा आगी है। श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे दोनों जन गोठियावत गोठियावत है इतना कथा तो बहुत विस्तार है लेकिन संक्षिप्त रूप में कहे प्रयास करता हूँ है। काबर प्रसंग उसने चाहे उसको जोहर रेंगे है वो भी रेंगे है ना, दोनों भाव है एक। भगवान राम का है लक्ष्मण जनकपुर लोग जाते का भाई घूमेला तो लक्ष्मण का है तोरे देरी बनियो है गुरुदेव करे तो ही आज्ञा मान दे तब बनी लेकिन तोला मदद करे लागी भाई। तो लक्ष्मण कहते ठीक है ना, तो इमन दोनों जन सुनता बंधा के इस ना तो भगवान राम और गुरुदेव का है गुरुदेव आवत आवत लक्ष्मण को ठियावत रही से कि जनकपुर लाग के नहीं खमन घूमे जाते नहीं से कही के। तो गुरु महाराज हा किस है कहीस भगवान राम कहीस गुरुदेव आपके आज्ञा होतीस ना तो आपके आज्ञा होतीस तो मैं लक्ष्मण घुमा का लेते हूँ ऐसे की कोखर मुंह निकल गए। अब एमर बहुत बड़ी अर्थ है एकदम विचार के चेत चेत लगा के सुनू तो समझ माही है ना। घुमाते कौन हा कौन घुमाते जिन पहली घूमे रही थे तेन है श्यावर रामचंद्र की है ना। तुरतुरियल में खुद नहीं देखे हो तो लेके होते मैं लकाई दिखाऊ दाई है मैं तो सिद्धावती ले सिरपुर को रोड मोरिंग दू मैं तुरतुरिया कहा ले घूम। घुमाते कौन हा तो जेन घूमे रही थे तेन हा विश्वामित्र महाराज जान डरीस राघुम गोठिया था ना तो मोर को दिया बहुत डिस्टर्ब होते क्रिया जा करो इतनी बार है ना वही भर नहीं कोनो बैठी था है ना। श्यावर रामचंद्र की जय आय कहा तेरे भुला गया हो आधा जे तुझे कहो ना हो 65 किलो शरीर रे मेर माढ़े मन कहूं अंते अंते किंद्रित ना तो मन हत असली के मन लोभी मन लालची मन चल चित मन चंचल चित चोर और मन के मति चलिए नहीं तो पल पल मन कुछ और। से प्रसंग लग में छोड़ना भर है तहां फिर हो गएगा मर मन के है ना। श्याम रामचंद्र की जय। तब गुरु महाराज की ही कही राम ते लक्ष्मण ला बाद में घुमावे पहली मोला घुमावा था श्याम रामचंद्र की सही धन गलत है गुरु महाराज के दी तो तय कब के घूम रहे लक्ष्मण जनकपुर में तेल नहीं ला घुमावे गुरु महाराज नहलम दहलम फेंक दीजिएगा जनकपुर ला घूमे जाबो कहा था का हाँ तो ठीक है जनकपुर ला जाओ देख लो है ना घूम के आ जाओ लेकिन शर्त यह है जनकपुर जाहू ना तो जनकपुर भला देखू लेकिन जनकपुर वाले मल झन देखू के दी श्यावर रामचंद्र की कसगा में सथा है सथा वाले में नहीं दिखी मुला था लेकिन बहुत सुंदर भाव तो उसने उसने कहा बनी गुरुदेव जनकपुर देखू की था और जनकपुर वाले झन देखू तब गुरु महाराज बात संवार दी कहीस बेटा राम है ना भक्ति के नगर जनकपुर हरे तो तू मन जनकपुर ला देख लू तो तू मन धन्य हो जहू और जनकपुर वाले मन तू मन ला देखी तो जनकपुर वाले मन तू मन ला देखी तू मन धन्य हो जी। श्यावर रामचंद्र की करहू सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई यही भाव है भगवान राम जब चलीस तो कृष्णा चलीस तो सहज भाव में चलीस है ना तो चलत राम सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी लेकिन अब जनकपुर के परिजन पूजनपुर वासी मन के नजर अलग रही से देखे नजरिया अलग रही से जतकर राजा रही से तिखर नजर मजना मुजनमन मत वाला हाथी चलते जैसे भगवान राम दिखे भगवान चले बर एक भाव में चलत रही से सहज भाव में लेकिन देखे देखैया मन के जे नजरिया रही से तेन भाव अलग अलग रही श्यावर रामचंद्र की जनकपुर के जतका देखैया रही से बर्जन पुरजन पुरवासी तिखर मन के सब भाव ऐसे रही से कि अब एकरे दरी धनुष टूट जती है और जिन जानकी है ते जानकी के बिहाव ओकरे संग हो जती ऐसा भाव जनकपुर के परिजन पुरजन पुरवासी मन के रही से आओ एक अंतिम भजन श्याम रामचंद्र की जय। गारे गाल भजन भाई मो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाए तो कौन जन कब आंखी मुड़ा जाए तो गारे गाल भजन भाई मो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाए तो कौन जन कब आंखी मुड़ा जाए तो Oh, oh, oh.
वैसन करनी वैसन भरनी ये किताब के ज्ञान है। जैसन करनी वैसन भरनी ये किताब के ज्ञान है। यारे भजन मैं बनाई सकति ने भक्ति कर जीवन माया जो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाए तो करे काले भजन भाई हो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाए तो खून जल जब आपी ना जाए तो नाम बिना फिर सुख नहीं पावे ये दुनिया में जीतूं। नाम बिना फिर सुख नहीं पावे ये दुनिया में जीतूं। रेती के पैरेले तेल निकल जाए पानी के माथे लगी हूँ कहूँ। नाम बिना फिर सुख नहीं पावे ये दुनिया में जीतूं। नाम बिना फिर सुख नहीं पावे ये दुनिया में जीतूं। संसा के चलत ले हंसा कौन जनी फिर कब उड़ा जाई तो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाई तो गाले गाले भजन भाई हो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाई तो कौन जनी कब आँखी मुदा जाई तो भगवान जी हो के कनवा तुस भजन गाए पर भगवान जी हो के कनवा तुस भजन गाए पर भगवान जी हो के कनवा तुस भजन गाए पर भगवान जी हो के कनवा तुस भजन गाए पर चल कपट घुमत लछो ई मौका है आके सुख सुमत बटो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाई तो गाले गाले भजन भाई हो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाई तो कौन जनी कब आंखी मुदा जाई तो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाई तो शिव राम चंद्र की जय। आज की आनंद की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। सकल समाज सब सीताराम। हर हर महादेव। शिव शंकर पार्वती पतये नमः। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।